नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कटहर पुलाव बनाना आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमने कटहर को अच्छी तरह से छील कर इसे धो लिया है। चावल को 10 मिनट पहले हमने फुलाकर इसे छान लिया है। थोड़ा सा घी लिए हैं, एक प्याज, एक हरा मिर्चा, खड़ा मसाला और गरम मसाला कूटा हुआ, जीरा, हरा मिर्चा, लहसुन और अदरक। उसके बाद हम पहले कटहर को स्टीम करेंगे, उसके बाद हम पुलाव बनाएंगे। गैस जला लेते हैं। पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और इसमें हम कटहर को रखेंगे। और इसे हम ढक देंगे। देख लेते हैं कटहल एकदम गल गया है। अब इसे हम बंद कर लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं। हम गैस चला लेते हैं, कुकर गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसको हम इसमें पलट लेते हैं। कुकर गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हम घी डालेंगे। अब इसमें हम घी डाल देते हैं। इसमें जीरा, अदरक, प्याज और खड़ा मसाला। ऐसे भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम कटहर डाल देंगे। भून लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद में कूटा हुआ गरम मसाला। और इसमें हम चावल डाल देते हैं। इसे हम चला देते हैं। जिस चीज से आप नापेंगे चावल उसी, हमने गिलास से नापा तो हमने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसे हम सीटी लगा देंगे। एक सीटी होने पर हम इसे बंद करेंगे।
गैस बंद कर देते हैं, एक सीटी आ गया। अब कुकर को ठंडा होने देते हैं 5 मिनट, उसके बाद हम खोलेंगे। अब कुकर हम खोल देते हैं। मेरा कटहर पुलाव बनकर तैयार हुआ, अब इसे हम आप लोग के साथ सर्व कर देते हैं। ये कटहर पुलाव बनकर तैयार हुआ है, इसे हम आप लोग के साथ सर्व कर देते हैं। इसे आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी होता है और खाने भी अच्छा लगता है। तो इसे आप लोग भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।